शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कान्हा, ब्रह्मा देवी की पूजा करने से होली के रंग पुनः आएंगे ना? हाँ मैया, देवी भ्रमरी के प्रसन्न होते ही सारे संकट स्वयं समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि एक बार ऐसा पूर्व में भी हो चुका, इसलिए माता की कृपा से मधु के प्राप्त होते ही ब्रज के सारे रंग स्वतः वापस आ जाएंगे। माता भ्रमरी करे के ऐसा ही हो और हम लोग होली का त्योहार धूमधाम से मना सके। नंदरानी, मैंने सभी रंगहीन पुष्पों का रस निकाल लिया है, अब क्या करना है? अब आगे क्या करना है वो हम बताएंगे। काकी, अब आप इस रस को कलश में डाल दीजिए और गोपाल, बिना विधि जाने ही तुमने पूजा आरंभ कर दी। काकी, हम आपके कहे अनुसार आम के पल्लव लेकर आए हैं, बच्चे भी आ गए, लेकिन सुंदर अब तक नहीं आया, न जाने कहाँ रह गया वो, भ्रमरी देवी की पूजा की सामग्री लेकर। हे माता भ्रमरी, हम पर कृपा करना, क्योंकि इस समय तो ब्रजमंडल अपितु समस्त संसार संकट में है। अब आप भी हम ब्रिजवासियों का अंतिम सहारा हो माता, हम पर कृपा करना माता, हमारी रक्षा करना। क्या हुआ सुंदर, डर लग रहा है? कौन है, किसका स्वर है ये? होलिका हूँ मैं। होलिका? काना बचाओ, काना बचाओ। होलिका हूँ मैं, मृत्यु की देवी होलिका, जिस होलिका का प्रतिवर्ष तुम सब मिलकर दहन करते हो, उससे एक बार ठीक से भेंट तो कर लो, उसे सही से जान तो लो। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। जाने दो तो फिर तुम होलिका का दुख कैसे समझोगे सुंदर? कैसे जानोगे कि दहन होने का कष्ट क्या होता है? मेरा ध्यान मत करना होलिका, क्षमा कर दो मुझे। क्षमा? अब तक क्षमा ही तो करती आई हूं मैं तुम सबको, क्या मिला मुझे? हर वर्ष वही दहन की पीड़ा, क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? पर इस वर्ष पीड़ा नहीं, प्रतिशोध लेगी होलिका। इस वर्ष केवल होलिका दहन नहीं होगा, अपितु पूरा ब्रजमंडल जलेगा उपलो के रूप में। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आप चिंता मत कीजिए, सोम और धामा बुला लाएंगे सुंदर काका को। सखा, तुम लोग जाओ और केले के पत्ते ले आओ और फिर सुंदर काका के घर चले जाना, अवश्य ही उन्हें पूजा की सामग्री लेने में देर हो गई होगी। मेरे दहन पर सब उत्सव मनाते हैं ना, और अब मैं उत्सव मनाऊंगी संपूर्ण ब्रजवासियों के दहन पर। कान्हा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तुम्हारे बाबा भी ना, उन्हें भी संकट की इस घड़ी में तुम्हारे ननिहाल जाना था। पर बाबा का जाना भी तो आवश्यक था ना? हाँ कान्हा, पर ये होलिका का संकट कैसे टलेगा? काकी, आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हैं? भ्रमरी देवी की कृपा से होलिका का संकट भी टल जाएगा और बाबा होली से पूर्व लौट भी आएंगे। आप विश्वास रखिए मैया,
अब केवल विश्वास का ही तो बल है कान्हा, पर जो होलिका भक्त प्रहलाद पर इतनी बड़ी संकट बन सकती है वो पता नहीं यह क्या अनर्थ करेगी। मैया, होलिका तब भी कोई अनर्थ नहीं कर पाई थी और आज भी कोई अनर्थ नहीं कर पाएगी, क्योंकि धर्म और आस्था के सम्मुख संसार का कोई भी अधर्म नहीं ठहर सकता, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। काकी, काना सत्य कह रहा है, हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। राधा, अब तुम ब्राह्मणी देवी की पूजा आरंभ करवाओ। अब हमें शीघ्र अति शीघ्र ब्राह्मणी देवी के मंत्रों के साथ साथ 108 बार इन फूलों के रस से माता ब्राह्मणी देवी का अभिषेक करना होगा। फिर क्या होगा राधा? फिर माता हमें आशीर्वाद में जो मधु प्रदान करेंगी उसी मधु से शिवलिंग का रंग अभिषेक करना है। फिर देखना, ब्रजमंडल के होली के सभी रंग लौट आएंगे। ठीक है राधा, महादेव करे ऐसा ही हो जैसे कि तुमने कहा है। अब तक इन उपलों से होलिका दहन होता रहा है, पर अब ब्रज वासियों का इन उपलों के रूप में दहन होगा और उसका आरंभ होगा इस सुंदर से जैसे ब्रजवासी मेरे दहन के लिए हर जगह से उपले इत्यादि एकत्रित करते हैं, अब वैसे ही मैं भी ब्रज के लोगों को उपलों के रूप में एकत्रित करूंगा और फिर केवल कान्हा बचेगा यहाँ अपने ही लोगों का दहन करने के लिए, क्योंकि इन उपलों में तो अग्नि कान्हा ही लगाएगा ना। और जब कान्हा ही अपने हाथों से अपने लोगों का दहन करेंगे तो इन्हें भी कोई नहीं बचा पाएगा। इस संसार में न ब्रजवासी बचेंगे, न होली मनेगी, न होगा होली का दहन। सुंदर, तुम सौभाग्यशाली हो जो होली का दहन की प्रथम आहुति बनने जा रहे हो। अब इसी प्रकार एक एक कर सभी ब्रजवासी बनेंगे होली का दहन की आहुति, और कान्हा अपने ही हाथों अपने ही लोगों का करेंगे दहन। कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूमा ते संगो अस्त्वे कर्मन। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार, कर्म के फलों पर नहीं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति हमें स्वतः हो जाती है। होलिका, यही प्रभु का कर्म विधान जिसे तुम अपने प्रतिशोध में समझ नहीं पा रही हो, क्योंकि तुम बुरे कर्म करके अच्छे फल की कामना कर रही हो जो संभव नहीं। तुम इस प्रकार ब्रजवासियों के जीवन को संकट में डालकर सोच रही हो कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगा है वो धुल जाएगा, ये संभव नहीं। और इस प्रकार तुम अपने अधर्म को और प्रगाढ़ कर रही हो। हे ब्राह्मणी देवी, जैसे आपने एक बार संसार की रक्षा की थी, इस बार भी उसी प्रकार हमारे ब्रज की रक्षा करना। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमो नमः। सो ये सुंदर काका कहाँ जा सकते हैं? और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि यशोदा काकी ने उन्हें कुछ कार्य दिया हो और उन्होंने कभी समय पे पूर्ण न किया हो। हम तो खेल के कारण
कभी कभी अपना कार्य करना भूल जाते हैं, पर सुंदर काका तो अपना कार्य मन लगा कर करते हैं। पता नहीं वो अपना अधूरा कार्य किए बिना कहाँ जा सकते हैं। कारण चाहे जो हो, पर हमें सुंदर काका को लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहिए। केले के पत्ते, अर्थात सुंदर काका केले के पत्ते लेकर आ रहे थे, फिर वो गए कहाँ? जिस प्रकार से पूजा की सामग्री बिखरी हुई है, अवश्य उन पर कोई संकट आया था। वो यही कहीं आसपास होंगे, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता। धामा, धामा, ये देखो मुझे क्या मिला। इसका अर्थ ये है कि सुंदर काका यहाँ तक तो आए थे, पर यहाँ से आगे उनके पद चिन्ह भी नहीं है। वही तो नहीं समझ में आ रहा है कि सुंदर काका अचानक से अदृश्य कैसे हो सकते हैं। अब तो मुझे विश्वास हो गया है कि सुंदर काका के साथ कोई ना कोई अनहोनी घटी है। हमें उन्हें पुकारना होगा। यदि वो किसी के भाई से यही कहीं आसपास छुपे होंगे तो वो हमारी पुकार का उत्तर अवश्य देंगे। सुंदर काका कहाँ है? सुंदर काका आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धामा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुंदर काका यहाँ नहीं है। अब हम क्या करेंगे धामा? अब तुम लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अब जो करना है होलिका करेगी। तुम कौन हो? इतना शीघ्र अपनी मृत्यु को भूल गए? तब तो तुम लोगों को उपले बनाना ही होगा। ओ होलिका, सुम भागो, अपनी रक्षा करो सब। भागो और भागो। ऐसे ही मुझे चारों ओर से घेर कर मेरा दहन करते हो ना तुम लोग। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो। हे ब्रह्मरी देवी, आप धन्य हैं क्योंकि जिस नारायण का नाम लेने पर से प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है वो आपका अभिषेक कर रहे हैं, आपके मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इसलिए देवी आपसे निवेदन है कि आप प्रभु की सहायता करें। देवी, त्रेता युग में भी आपने प्रभु की सहायता की थी। जब वो राम रूप में थे तब उन्होंने आपको 108 कमल पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया था, और आपने प्रभु की परीक्षा ली थी, उनके धैर्य की परीक्षा ली थी, और आपने 108वां कमल पुष्प अदृश्य कर दिया था। तब प्रभु श्री राम ने अपने कमल नयन आपको चढ़ाने का निर्णय लिया था, जिससे प्रसन्न होकर आपने उन्हें रावण के साथ युद्ध में विजयश्री प्राप्त करने का वरदान दिया था। हे आदिशक्ति ब्रह्मरी देवी, आज भी प्रभु कान्हा को आपके उसी आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि होलिका यदि अपने अधर्म में जीत गई तो धर्म की हार होगी। इसलिए प्रभु कान्हा की सहायता करें देवी। या देव सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमः। भागो बालको, भागो। होलिका से बच के कहाँ जाओगे तुम? हाँ, हमें क्षमा कर दीजिए होलिका काकी, हम आपको रोष नहीं करना चाहते। हम तो केवल सुंदर काका को ढूंढ रहे थे। कौन वो ग्वाल जो भ्रवरी पूजा की तैयारियां कर रहा था? क्या सुंदर काका ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे? हमें ये सच में नहीं पता था, नहीं तो हम सुंदर काका को क्यों ढूंढते? क्यों, तुम्हें रंग वापस नहीं चाहिए? तुम्हें होली नहीं खेलनी है? होली? हम वाला क्यों खेलेंगे होली? हमारे पास समय कहाँ होता है होली खेलने का? जब सब होली खेल रहे होते
तब हम मावन में गैया चरा रहे होते। मेरे भाई के कारण अत्यधिक भोला बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों कान्हा के अति प्रिय सखा हो। वो तो इसलिए क्योंकि कान्हा हमें माखन खिलाता है। पर हम सब कान्हा का माखन नहीं खाएंगे। होली का दहन तो करोगे ना, होली तो खेलोगे ना? हम सौगंध खाते, अब से होली खेलना तो दूर, हम रंगों को हाथ तक नहीं लगाएंगे। मैं तो होली का नाम भी नहीं लूंगा और ना ही होली का दहन करूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि ना कोई होली का दहन करे और ना कोई खेले होली। इसलिए तो मैं सबको उपले बना रही हूँ। तुम दोनों भी वही बनोगे और फिर तुम सबका होगा दहन होलिका के साथ। नहीं नहीं काकी, रुक जाइए, हमारी बात तो सुन लीजिए काकी, फिर चाहे तो हमें उपला बना दीजिए। शीघ्र बोलो, क्या है तुम लोगों की अंतिम इच्छा? यदि आपने हम दोनों को उपला बना दिया तो आपका ये संदेश कान तक पहुंचेगा कैसे? कैसे लोग होली का दहन से भयभीत होंगे? आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम कान्हा के अति प्रिय सखा हो। जाओ, नहीं बनाती तुम दोनों को उपला। जाओ और जाकर कान्हा से कह दो भ्रमरी देवी की पूजा इसी समय रोके और रंगों को वापस लाने का प्रयास रोक दे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा इस ब्रजमंडल में। जी जी होलिका देवी, हम आपके साथ हो जाते। कान्हा, अभी तो ये होलिका के भय का आरंभ है, देखते जाओ अभी क्या क्या करती है तुम्हारे इस ब्रज में ये होलिका। पूजा चल रही है, ब्रह्मरी देवी की 108 मंत्रों से अभिषेक हो रहा है, पर आज प्रातः काल से ही पनियारी का भी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है तू? पुष्पा काकी, काकी आपने पनियारी को देखा क्या? वो इस पूजा के समय यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि बलराम, नंदरानी ने उसे कार्य से निष्कासित कर दिया। निष्कासित कर दिया? पर क्यों? क्योंकि उसका हर कार्य संशय पूर्ण था। और तुमने तो कहा था ना कि वो होलिका दहन स्थल पर भी गई थी। संशय तो मुझे भी उन पर था, पर यदि वो घर पे होती तो उन पर दृष्टि होती। अब पता नहीं वो कहाँ है, कौन सा अनर्थ मचा रही है। कान्हा, कान्हा, कहाँ हो तुम? कान्हा, तो अपनी पूजा पूर्ण करो, क्योंकि किसी भी स्थिति में ब्रह्मारी देवी की पूजा रुकनी नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ क्या बात है। कान्हा पूजा कर रहा है, बताओ क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? दाओ, वो होली का। हाँ, ज्ञात है मुझे कि होलिका का संकट है। नहीं दाओ, वो होलिका मिली थी हमें। तो जिसे हम ढूंढ रहे थे वो मिली गई। कहाँ है वो, क्या कर रही है? दाओ, वो सबको उपले बना रही है। दाओ, हाँ दाओ, उसने सुंदर काका को भी उपला बना दिया और ये चेतावनी दी है, अगर ब्रज में होली नहीं रुकी तो सारे ब्रिजवासियों को भी उपले बना देगी। दाऊ, तुम लोगों को ये सब बात ज्ञात कैसे हुई? क्योंकि वो हमें भी उपले बनाने जा रही थी, पर फिर कान्हा को संदेश देने के लिए उसने हमें छोड़ दिया। फिर ये संदेश उस होलिका का अंतिम संदेश होगा। चलो मेरे साथ, बताओ कहाँ मिली थी होलिका तुम्हें?
पर दाऊ आपको नहीं लगता कि हमें काना को भी साथ में ले जाना चाहिए? थामा, मैं काना का बड़ा भाई हूँ तो होलिका को दंड देने का मेरा प्रथम अधिकार है। और वैसे भी काना भी पूजा कर रहा है और वो पूजा के मध्य भी उठ नहीं सकता। चलो आज होलिका के संकट को समाप्त करके ही लौटूंगा मैं। काका काकी कहाँ जा रहे हैं, होली मनाने? हाँ बिटिया, ब्रिज मंडल से होली के रंग समाप्त हो चुके हैं, पर होली तो मनानी पड़ेगी ना, चाहे बिना रंगों के ही क्यों ना मनानी पड़े। तब तो होली का दहन भी करेंगे? हाँ, जो होली की परंपरा है उसे तो निभाना ही होगा ना। अर्थात तुम भी होलिका को बुराई का प्रतीक मानते हो? इसमें मानने वाली क्या बात है, होलिका तो है ही बुराई की प्रतीक। नहीं, तुम लोगों ने उसे बुराई का प्रतीक बना दिया है, इसलिए अब तुम सब चलोगे होलिका के साथ होलिका दहन में उपले बनकर। हे भगवान, ये क्या हो गया? कोई नहीं बचेगा जो भी होलिका दहन करेगा, उन सब का दहन होगा। जाओ, जाकर दे दो होलिका का संदेश पूरे ब्रज मंडल को। कहाँ ले जा रही हो मेरे पति को? अरे कोई तो रोको इसे। संकट टले या ना टले, पर जो भी होली मनाना चाहता है उसे होली का उपला बना दे रही है काना। जो भी होलिका के सम्मुख आएगा वो होलिका दहन का उपला बनेगा, और इस वर्ष दहन होगा ब्रजवासियों का। और आज होलिका अपने साथ हुए हर अधर्म का न्याय करके रहेगी। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।